हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात कर रहे हैं अपने सीजनल फ्रूट अमरूद की, यानी कि गुआवा। क्या गुआवा प्रेगनेंसी में हम खा सकते हैं? खा सकते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और हमें कितना खाना चाहिए? इस सब की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आज हम इस वीडियो में आपके सामने हैं और साथ में आज हम डिस्कस करेंगे कि अमरूद खाने से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है और हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमरूद से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, अमरूद में ऐसा क्या है, कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें फाइबर होता है, हाईली रिच फाइबर है अमरूद होता है, जिससे आपके जो पेट का कॉन्स्टिपेशन है एक नॉर्मल इंसान का भी वो ठीक हो जाता है और वेट जल्दी से नहीं बढ़ता। दूसरा, इसमें विटामिन्स की पूरी भरमार होती है, यानी कि विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन सी, विटामिन ई और साथ में फॉलिक एसिड इसमें होते हैं। तो आपने देखा इतने सारे विटामिन्स हैं तो आपके हॉर्मोन्स को तो ये बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और जो आपका बेबी बन रहा है उसको भी बैलेंस, उसके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करेंगे। साथ में इसमें होते हैं मिनरल्स, क्योंकि इसके जो बीज हैं, हमने आपको अपने अल्कलाइन डाइट वाले वीडियो में भी बताया है कि जिस भी फ्रूट में बीज खाए जा सकते हैं, सीड्स जिसको आप खा सकते हो, उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, वो एक अल्कलाइन फूड बन जाता है। और उसमें आप देखेंगे कि कैल्शियम के बेनिफिट्स सबको पता है, बोन्स के साथ साथ ये हमारे मसल्स को स्ट्रोंग करते हैं, हमारे क्रैम्प्स को कम करते हैं, और आप जानते हैं कैल्शियम से आपके नेल्स, आपके टीथ, आप इवन आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स में कैल्शियम लगता है। इसी तरीके से आयरन से आप कभी भी एनीमिक नहीं होते और आपका HB, आपके बेबी का HB इम्प्रूव्ड रहता है, और पोटेशियम से आपके हार्ट की हेल्थ, यानी कि हार्ट का धड़कना अच्छा रहता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के कारण इस आपकी जो मसल्स हैं उनका रिपेयर प्लस डेवलपमेंट दोनों अच्छा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके इम्यून सिस्टम को प्लस आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को खत्म करता है। तो ये सब तो आपने देखा अमरूद में है, ये तो एक नेचुरली सबको ही बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन हम अपने इस चैनल पे आपको बताने वाले हैं कि आपके बेबी को और आपको, प्रेग्नेंट लेडी को इसमें क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले जो बेबी का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से लेके स्पाइन तक, जिससे कि बेबी की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सही चलती है, ये उसको डेवलप करता है। और साथ में बेबी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस समय आईज का फॉर्मेशन, हार्ट का फॉर्मेशन, लंग्स का फॉर्मेशन, बोन्स का फॉर्मेशन जब बिल्कुल स्टार्ट होता है उस समय ये उसको बहुत ही हेल्प करता है। इसके साथ अब हम देखते हैं कि बेबी की जो बेबी के पास जब कैल्शियम आयरन अच्छा जाएगा, पोटेशियम अच्छा जाएगा, तो बेबी के हार्ट बीट भी अच्छी चलती है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि बेबी की हार्ट बीट थोड़े से टाइम के बाद बंद हो जाती है और आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है, बेबी की ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लीज आप अमरूद से परहेज मत करिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखिए प्रेगनेंसी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल स्टॉर्म होता है, हार्मोन्स का तूफान बवंडर मचा हुआ होता है, साथ में आपके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, इसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन वो सिम्टम्स कभी कभी आपको परेशान करते हैं, आपको पेन देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस है, अगर आप अमरूद खाते हैं डेली, तो आपको देखेंगे मॉर्निंग सिकनेस उतनी शार्प नहीं होगी, आपको इसका इफेक्ट कम मिलेगा। और साथ में जो आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि आपकी नर्व्स जो है वो नम हो जाती है, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती, तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे आपकी नर्व्स भी हाइड्रेट रहती हैं
और ना तो आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है ना ही आपको क्रैम्प्स आते हैं। इसी तरीके से जो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं, हमने आपको बताया कि हार्ट बीट बहुत मायने रखती है बेबी के लिए। बेबी जब आपका मतलब जिस दिन आपने रिलेशन बनाया, अभी उसको 3 वीक भी नहीं होते, उससे पहले ही बेबी की हार्ट बीट जो है आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्री मैच्योर्ड जो आपकी एबॉर्शन हो जाते हैं, कई बार डिलीवरी 9 मंथ से पहले हो जाती है, उसमें बहुत ही बड़ा रोल होता है पोटेशियम का। साथ में आपका अपना बीपी अगर बढ़ गया तो भी प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मूड स्विंग के कारण कभी कभी आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, कभी कभी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ऑयली फूड ज्यादा खिलाते हैं कि इतना घी खाओ, इतना दूध पियो, तो उससे आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अमरूद आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। साथ में आपको जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है कि सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज हुई है, उस डायबिटीज को भी ये होने से रोकता है, क्योंकि ये एकदम से जो इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली स्टेट है उसको रोकता है। तो इससे आप देखते हैं कि आपके जो जेस्टेशनल डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल मिलता है। साथ में आपका वेट एकदम तेजी से नहीं बढ़ता, ये वेट बढ़ने को भी कंट्रोल करता है। खासतौर से अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है तो आपका वेट एकदम बढ़ता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये आपकी उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो आपके डाइजेशन कंट्रोल रहेगा तो आपको सारी चीजें डाइजेस्ट रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देना, उसमें इसका जो फाइबर है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी लेडीज को फर्स्ट मंथ से ही पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, और आपकी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और बाद में, तो यूट्रस का साइज बढ़ने से उसका जो प्रेशर है बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी पड़ता है, जिससे आपका जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपने पाइल्स को इनवाइट नहीं करना है। आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बल्कि हेयर फॉल स्टार्ट ही नहीं होता। और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी तो आपने इसको जरूर लेना है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली स्टेट को ये रोकता है, जिससे आपका प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी आप देखेंगे वेट जो है वो कंट्रोल रहता है। तो आपने देखा अमरूद के तो इतने सारे फायदे हैं, तो हमें अमरूद कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, फिर लोग मना क्यों करते हैं कि आप अमरूद मत खाइए। देखिए अमरूद जो है वो एकदम कच्चा अमरूद नहीं खाना है, जो ठीक से पका हुआ हो। अगर आपको बहुत ज्यादा पका हुआ अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन जो मीडियम पका हुआ हो आप वो अमरूद जरूर खाइए, और कोशिश करिए कि उसके बीज कच्चे हों और आप खा सकें। आपको बीज पके वाला नहीं खाना, वो आपको फिर आप उसको बाहर थूक देते हो तो उसका क्या फायदा। साथ में अमरूद को अच्छे से वॉश करना है, हल्के गुनगुने पानी से उसको अच्छे से रब करना है, और जरूरत से ज्यादा अमरूद नहीं खाना कि आप बहुत ज्यादा अमरूद खा रहे हैं, नहीं, आप डेली एक अमरूद ले सकते हैं मीडियम साइज का। और अगर आपके यहाँ बड़े अमरूद आते हैं, आपको छोटे अवेलेबल नहीं है, तो आप कोशिश करके वीक में केवल 4 दिन या 5 दिन ही खाइए, 1-2 दिन भूल जाइए, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और जो कहा जाता है कि अमरूद खाने से आपको खांसी हो जाएगी, कफ कोल्ड या आपके पेट में दर्द होगा, एक्चुअली क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं वो आपके प्रेगनेंसी के, आप समझते हैं कि वो आपको अपेंडिक्स के क्रैम्प्स हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। और जो कफ एंड कोल्ड है वो तो एरियल होती है, यानी कि आपको वायरस से होती है, वो ऐसे थोड़ी होती है कि आपने कुछ खाया। हाँ, अगर अमरूद कीड़े वाला है, खराब है, तो उसको पूरा के पूरा फेंक दीजिए, ऐसा मत करिए कि खाली छोटा सा पोर्शन आपने हटा दिया, क्योंकि कभी कभी अमरूद के जो कीड़ों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपको दिखते भी नहीं है, और वो अंदर तक ट्रेवल कर जाते हैं, और गलती से आप उनको खा लेते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए, किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। तो अमरूद खाइए, स्वस्थ रहिए।
थैंक यू वेरी मच। और